ये देखेगा यम्मी टेस्टी आलू की इंस्टेंट कचरी, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया है कि आप कुछ भी बनाएं और उबाल कर सुखाएं या ऐसे ही बनाएं सुखाएं। तो चलिए इंस्टेंट कचरी आलू की कैसे बनानी है चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस ये देखिए, हमने चार आलू ले लिए हैं अपने मीडियम साइज़ के। ये नॉर्मल आलू हैं जिनसे हम सब्जी वगैरह बनाया करते हैं, ये सब कहीं मिलते हैं वही आलू हैं। तो इनको हम छील कर सही से रख लेंगे। ये देखिए पीलर की सहायता से छील कर रख लिए हैं आलू। तो चलिए ये ले लिया है एक बर्तन में पानी पतीले में। तो इनको ग्रेटर से हम ग्रेट करेंगे। आप चाहें तो मीडियम साइज़ का ग्रेटर ले सकते हैं या बड़े साइज़ का। हम ले रहे हैं बड़े साइज़ का ग्रेटर। उसे हम ऐसे करके ग्रेट करेंगे थोड़ा सा लंबे लंबे, जिससे कि ये जो कद्दूकस करे हुए लच्छे निकले ये थोड़ा सा लंबे में निकले। तो इसीलिए हम इनको थोड़ा सा लंबे में लेंगे और इसी तरह से हम कर लेंगे ग्रेट आलुओं को सारे। तो ये देखिए पानी से हमने आलूओं को ग्रेट कर लिया है पानी में। अब इसको हम करेंगे वॉश। तो 5 से 6 बार पानी से हम वॉश कर लेंगे। देखिए साफ साफ निकल आया है पानी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है। इसमें हम ऐड करेंगे नमक, क्योंकि इसी टाइम पर हम ऐड कर देंगे नमक और अच्छे से मिला देंगे स्पून से। तो ये देखिए इस तरह से हम मिला देंगे और 5 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे, जिससे कि हमारे आलू में नमक चला जाएगा अच्छे से। ठीक है, फिर देखना है हमको इसे क्या करना है। जिन बच्चों को आलू वगैरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको ये बहुत अच्छी लगने वाली है नमकीन, और ये आप अपने मनचाहे स्वाद में बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम अपने इन आलू के जो लच्छे हैं इनको निकालेंगे और निचोड़ते हुए इनको एक ट्रे पर हम फैला लेंगे। देखिए पानी बिल्कुल निकाल देना है, जितना आपसे हो सके उतना इसको निचोड़ कर पानी इसका निकाल देना है। इस तरह से अब हम ट्रे पर फैला लेंगे और किचन टावल ले लिए उस पर फैला लेंगे। आप चाहें टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस में। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, ये देख सकते हैं गाइस, इस तरह से हम अच्छे से फैला देंगे जिससे कि इसका मॉइस्चर है वो पूरी तरह से निकल जाए 5 मिनट के लिए। तो जब तक ये हमारे सूखेंगे तब तक चलिए हम रख लेते हैं पैन। पैन में डाल देंगे ऑयल, हमने रख लिया है पहले से ही। तो ये देखिए इस तरह से किचन टावल से हम पोंछ लेंगे अपना अच्छे से, जिससे कि इसमें जितना हो सके आप उतना आप इसका मॉइस्चर हटा सकें। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ये देखिए दबाते हुए हम भून लेंगे। उन बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है जिनको क्रिस्पी चीज़ें ज़्यादा पसंद है आलू वगैरह की। तो ये देखिएगा, अब हमने अपना रख लिया है पैन। पैन में ऑयल डाल दिया है और ऑयल को बिल्कुल हाई फ्लेम पर गरम किया है। बिल्कुल हाई रखना है, लो बिल्कुल नहीं रखना है, और हाई फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है। तो ये देख सकते हैं कितनी तेज से है कि एकदम हाई फ्लेम पर ये कुक हो के कैसे क्रिस्पी क्रिस्पी बन करके आएंगे इनको। गाय आप इनमें नमकीन में भी यूज़ कर सकते हैं इसकी नमकीन। कोशिश हम यही करेंगे कि हम आगे इसकी नमकीन भी लेकर के आएँ। तो ये देखिए इस तरह से हो गए और कितने प्यारे लग रहे हैं, इतना गोल्डन ब्राउन कलर आया हुआ है इनका। तो कितने क्रिस्पी होंगे आप इनके कलर से ही देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी होंगे। तो इसी तरह से बाकी के भी जो हैं उनको हम सेक लेंगे हाई फ्लेम पर ही। लो फ्लेम पर नहीं सेकना है, क्योंकि लो फ्लेम पर सेकेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसलिए हम सेकेंगे हाई फ्लेम पर। ठीक है, तो ये देखिए आलू के लच्छे बन कर के तैयार हैं, यम्मी टेस्टी, और ये बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और इनको आप फ्राई कर कर के एक एयर टाइट जार में भर लीजिए तो कम से कम 15 से 20 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाले हैं। बहुत अच्छे टी टाइम स्नैक है ये, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। बच्चे बिल्कुल मांग मांग कर आपके खाने वाले हैं इस रेसिपी को। तो इस होली ये इंस्टेंट रेसिपी ज़रूर बनाएं। अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।